दूसरे सम्मानार्थी है मिस्टर सुदीप्ता बैनर्जी, डॉक्टर सुदीप्ता बैनर्जी फ्रॉम कोलकाता, भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड, बेस्ट इंडस्ट्रियल लीडर। इस देश की उन्नति के और विकास के लिए हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पुराने जमाने में भारत देश को बिजनेसमैन की भूमि कहा जाता था, किंतु अंग्रेजों ने यहाँ पे एजुकेशन सेगमेंट को तोड़ के जॉब वाला जो कल्चर डाला है, उसके कारण आज हमारे कई सारे बिजनेसमैन जॉब में दिखाई देते हैं। किंतु मेरा सौभाग्य है कि कुछ लोगों ने शून्य से विश्व निर्मिति करके इस देश के पुराने इतिहास को फिर से उजागर करने की कार्य में अपना योगदान दिया है। मिस्टर सुदीप्ता बैनर्जी इज अ फाउंडर डायरेक्टर एंड ईसीईओ ऑफ अलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ EDEIB Mentor Private Limited. He is also a Vice President Marketing for GESCO Healthcare Private Limited. Professional member of Institute of Scholars, Life member, Quality सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। सर, आपका जो ये कार्य है, इस कार्य से शायद बहुत सारे लोग अभिन्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य का परिचय लोगों को होना चाहिए, क्योंकि देश में उन्नति के कई सारे मार्ग है, पर बहुत सारे लोग अपने मार्ग को सीमित रखने, अपनी सोच को सीमित रख के अपने आप को अपने दायरे में रखते, किंतु सुदीप्ता जी आपके इस कार्य से ऐसा लगता है कि आपने सारी सीमाओं को तोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में जो काम किया है, उसके लिए आपका ये पुरस्कार होना स्वाभाविक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी मिस्टर सुदीप्ता बैनर्जी फ्रॉम कलकत्ता, भारतीय उद्योग रत्न पुरस्कार, बेस्ट इंडस्ट्रियल लीडर, कोलकाता शहर का सम्मान महाराष्ट्र स्टेट में हो रहा है। यहां से आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार से हमारे भारत को विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति या विभिन्न लोक परंपराओं का देश माना जाता है, उसी तरह ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन भी इन संपन्नता को आगे बरकरार रखते हुए देश के हर हिस्से को, अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ से पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। मैं आशा करता हूँ सुदीप्ता जी की आपके इस कार्य को आपके राज्य तक सीमित ना रखते हुए आप कोई ना कोई माध्यम से, सोशल मीडिया से अपने कार्य का उल्लेख करते रहिए, ताकि आप जैसा हौसला, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की राह हमारे जैसे नवयुवकों को भी मिलती रहे और हमारे लिए आप प्रेरणा स्थान बने। सो कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर सुदीप्ता जी, थैंक यू सो मच। So I will take it in that note. Help me to welcome another speaker from our team, Mr. Sudipta Banerjee. Sudipta Banerjee. So guys, please have a big round of applause. मैं भी बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा तालियाँ बजाएगा उसका भोजन अच्छा रहेगा, और जो तालियाँ नहीं बजाएगा भोजन के समय में उनके पास आके स्माइल दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आके आपके साथ खाते से मैं हंस रहा हूँ तो अपने तालियाँ नहीं बजाई, ऐसे भी मैं स्माइल दे रहा हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर सुदीप्ता। After this excellent orator, Mr. Nishikant, then it's very awkward for me to speak anything rather. And thank you very much, Global Scholars Foundation. And madam, I had the privilege to work with you 5 years before in Odisha. So it was a great thing again meeting with you. And Mr. Sunil, it was an excellent thing we are doing. When I teach in universities, I tell that innovation is just simple deviation, right? Useful deviation. So you are just deviating the simple thing you are doing in a very big purpose. So thank you very much for that. I thank you. And I will not take time because I have to speak in a zip form because we are all very hungry. So one thing, when I was doing my research and my research subject was how to increase business, what is the effect of mindset in business, how business affect mindset, because I am from Indian Institute of Management. And when I was learning that, okay, lot of management teachers, my professor Safal Batra was teaching me, I was thinking that, okay, this professor is teaching me entrepreneurship, strategic management, all those things. But when I come to implementing that, I feel they're professors. In practical terms, each and every human beings are unique, right? And they have the unique purpose of thinking, and same atmosphere, a different entrepreneur can work differently. If you put the same atmosphere, genetically same, but they come out differently. So mindset affects. So when we are coming to learning, what I felt is that our subconscious mind have an effect on it. Because what happens, subconscious mind, there are different categories. I will not go to details because I have to make it zip. And in a subconscious mind,
always tell that if you appreciate yourself or if you get appreciation, that is what the program of subconscious mind is made. If you get appreciation or you appreciate yourself on everything what you do, you know, that becomes a habit and that becomes a path, one of the definite reason for your success. With that, I thank you very much again and I take it as a learn. Thanks. Thank you, Radha. So here I want to add one thing. आज भी सुदीप दादा ने और शेखर सर ने जो भी thought process, जो भी विचार कहे उनके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा. Lots of people might be know, एक किताब है जिसका नाम है Power of Subconscious Mind, written by Joseph Murphy. If you read that book will definitely help you a way ahead in your life. So Joseph Murphy का ये Power of Sub, ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और लैंग्वेज में अवेलेबल है. So just adding what I recollect from Sudeep Da.